नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। जयपुर में युवती को कार से कुचलने वाला आरोपी सिरसा से गिरफ्तार। राजस्थान के जयपुर में मंगलवार सुबह युवती को कार से कुचलने वाला आरोपी मंगेश अरोड़ा एलनाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके पिता दीपक मसालों का कारोबार करते हैं। हिसार पुलिस ने इस साल दबोचे 8 इनामी अपराधी, साथ ही आम लोगों से की ये अपील। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा के निर्देशन में हिसार पुलिस ने वर्ष 2023 में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के मद्देनजर प्रभावी कार्यवाही की है। हिसार पुलिस ने 2023 में हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती और लूट आदि के मामलों में 25,000, 10,000 और 5,000 के 8 इनामी वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सरकार का ऐलान, मिड डे मील कर्मियों को अब मिलेगा मुफ्त इलाज, साल में सिर्फ एक बार देने होंगे इतने रुपए। हरियाणा सरकार धीरे धीरे स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का दायरा बढ़ाती जा रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले मिड डे मील कर्मियों को 5,00,000 रुपए वार्षिक तक चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए उनके मानदेय में से साल में सिर्फ एक बार 1,500 रुपए की कटौती होगी। इस ऐप पर बस अपलोड किया सिर्फ 1,800 रुपए का GST बिल और जीत गया घर बैठे 10,00,000 का इनाम। गुड एंड सर्विस टैक्स GST अदा कर खरीदारी करना और बिल हासिल कर इसे मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप पर अपलोड करना रेलवे कर्मचारी रविंदर को लाखों की सौगात दे गया। विपक्षी नेताओं को मिला न्योता तो इंडी गठबंधन में मची खलबली। IUML ने साथी कांग्रेस को दे डाली ये सलाह। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। वहीं CPM जैसी राजनीतिक दलों ने इस समारोह में जाने का फैसला किया है। मुश्किल में प्रियंका गांधी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने चार्जशीट में पहली बार दर्ज किया नाम। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी एक बड़ी मुसीबत में फंसती दिख रही है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने आरोप पत्र में प्रियंका वाड्रा का नाम दर्ज किया है। ईडी ने इसी मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर भी आरोप लगाए हैं। 6 मौत और 692 नए मामले, पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस ने बढ़ाई चिंता। नए साल से पहले कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 692 नए मामले सामने आए। वहीं बुधवार को 529 केस सामने आए थे। पीएम मोदी ने विजयकांत के निधन पर जताया दुख। राहुल गांधी और M.K. स्टालिन ने भी दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को DMDK के संस्थापक नेता और अभिनेता विजयकांत के निधन पर शोक व्यक्त किया। विजयकांत का आज दिन में COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद चेन्नई में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कप्तानी में अभी एक नंबर विराट कोहली। किंग कोहली ने रोहित शर्मा से कुछ कहा ऐसा कि आउट होकर बल्लेबाज लौटा पवेलियन। भारतीय टीम इन दिनों साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 245 रन बनाए। भारत में अपने अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलना चाहती है अफगान टीम। BCCI से मांग रही इजाजत, लखनऊ में आयोजित करना चाहती है मैच। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ACB भारत में फिर से अपने टूर्नामेंट आयोजित कराने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के संपर्क में है। इससे पहले ACB अपने टूर्नामेंट भारत में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा और देहरादून में आयोजित कर चुका है।